गाइस एक ही क्वेश्चन आप लोग बार बार करते हो गोरी ब्यूटी क्रीम को यूज करना ठीक है या नहीं है गोरी ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं या नहीं कौन सी एज वाले यूज कर सकते हैं गर्ल्स यूज कर सकती हैं बॉयज यूज कर सकते हैं, हैं मैन वुमेन कौन सी ऐसी एज वाले जिसे यूज कर सकते हैं कितना यूज करना चाहिए इंग्रेडियंट्स क्या है काम करते हैं नहीं करते हैं और कोई ऐसा इंग्रेडिएंट तो नहीं जो कि साइड इफेक्ट्स करता है और जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है मेरे पास इसके अंदर मरकरी है या नहीं आज की वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है अगर चाहे आप इसको वीडियो को एंड तक वॉच करोगे तो आप आज जान पाओगे कि आप इसे यूज कर सकते हो या नहीं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट स्किप आपने इसको देखना है अगर वाकई में आप जानना चाहते हो क्योंकि इंडियन ऑडियंस मेरे पास काफी सारी है और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम गोरी यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते ठीक है तो वीडियो को एंड तक बने रहना आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा सबसे पहली चीज तो ये गाइस इंग्रीडियंट के ऊपर मैं बात कर चुकी हूँ ऑलरेडी गोरी की दो प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू किया है मैंने दोनों के ऊपर डिटेल से इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिटेल दी है कंप्लीट इंग्रेडिएंट मतलब एक एक, एक इंग्रेडिएंट के बारे में आपको डिटेल से बताया है अगर आप चाहो उसे देख सकते हो अभी रिसेंटली बनाई थी कुछ टाइम पहले मैं उसका लिंक आपको दे रही हूँ आई बटन लगा देती हूँ आप वहां से चेकआउट कर लेना ठीक है सेकेंडली गोरी ब्यूटी क्रीम गई सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूँ की बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रीम को ऐसा समझते हैं कि जैसे आप खाना खाते हो ना वैसे रोजाना क्रीम लगानी है तो ऐसा नहीं होता है, स्किन वाइटनिंग क्रीम के ऊपर लिखा होता है मेंशन किया हुआ आता है जब तक कि आपका कलर फेयर नहीं होता तब तक आप इसे यूज करो उसके बाद आप इसको कम कर दो या बंद कर दो और या फिर बहुत कम इस्तेमाल करो कंपनी आपको बॉक्स पे मेंशन करती है कंपनी को भी मालूम है इसके अंदर हाई अमाउंट में केमिकल है वो आपको दे रही है सबको पता है ठीक है लेकिन कंपनी ने आपको एक यूज करने का तरीका बताया कैसे यूज करना है अगर आपको इरिटेशन हो रही है आप उसे इस्तेमाल मत करो गोरा होने के चक्कर में ना हम मतलब अपनी स्किन के साथ भी खेल रहे होते हैं पहली चीज सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज क्या होती है आपका कलर अगर बहुत ज्यादा लाइक डार्क है या आपका कलर बहुत ज्यादा लाइक डिम लगता है आपको तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप कोरी ब्यूटी क्रीम लगाओगे और गोरे हो जाओगे एकदम चिटा बिल्कुल फेयर अंग्रेज होगी तो ऐसा तो नहीं होता है ठीक है आ, कलर फेयर करने का मकसद ये होता है कि आपकी जो स्किन है उसके हिसाब से एक या दो शेड कलर फेयर ठीक है क्रीम सबसे पहली चीज तो ये कि क्रीम को आप जस्ट सेवन टू एट डेज यूज करके देखो अगर चाहे आपको कलर मिल रहा है और कलर फेयर हो रहा है आपको लग रहा है आपकी स्किन थोड़ी बेहतर हो गई है तो आप उसको हफ्ते में दो बार इस्तेमाल करो सेकेंडली आप प्रेगनेंट हो आप जब यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि आ, इसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो बच्चे की बॉडी पे भी स्किन पे भी असर करते हैं ओके गाइस तो आ, एक और चीज के जब आप टीन होते हो आपके जो बॉडी के अंदर हार्मोन चेंजेस हो रहे होते हैं ठीक है उस चेंजेस की वजह से आपको पिम्पल्स एक्निंग की प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और बहुत सारे लोग स्किन बहुत ऑयली होती है जिसकी वजह से जो पिम्पल्स एक्निंग होते हैं वो बहुत निकलते हैं ऑयल प्रोडक्शन की वजह से ऑयल प्रोडक्शन की वजह से आपकी स्किन के ऊपर बहुत सारी चीजें होती है ब्लैक हेड व्हाइट हेड हो जाते हैं पोर्ट्स ओपन हो जाते हैं उनमें ऑयल जम जाता है आपको सिबम हो जाते हैं आपके स्किन बहुत ज्यादा लाइक ऐसा बोल सकते हैं कि पिंपल्स वाली हो जाती है किसी को मोटे भी भी पिंपल्स होते होते हैं हैं किसी को छोटे लाइक पूरा फेस डिस्टर्ब होता है एक्स्ट्रा ऑयल प्रोडक्शन की वजह से ऑयली फूड खाते हो आप ऑयली फूड की वजह से भी बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है ऑयल ऑयली खाना खाते हो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करते हो तो वो मजीद ऑयली हो जाती है ठीक है इसलिए बहुत सारे डॉक्टर्स के पास आप देखो उनका यही कहना होता है डर्माटोलॉजिस्ट का कि अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो जंक फूड्स को और ज्यादा से ज्यादा ऑयली फूड को स्किप करो बिकॉज जब तक आपके दाने खत्म नहीं होंगे जब तक आप अपने बॉडी के अंदर ऑयल प्रोड्यूस करना कम करना शुरू नहीं करोगे ठीक है सेकेंडली जब आप टीन के अंदर इस तरह की क्रीम्स लगाते हो तो आपके स्किन ओब्वियसली खराब होनी ही होनी है क्योंकि ये जो क्रीम्स होती है बहुत ज्यादा केमिकल्स वाली होती है और जो थर्टीन फोर्टीन एज का टाइम होता है उस टाइम में नेचुरली भी आप बोल सकते हो कि नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रही होती है जब बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं तो वो स्किन पे भी इफेक्ट करती है और फिर आपको लगता है आपकी आपको क्रीम ने जो है वो साइड इफेक्ट दिया ठीक है क्रीम मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ आपको साइड इफेक्ट नहीं देती है गाइस गाइस गाई, मैं एक चीज यहाँ पर लगा रही हूँ एक नोट जिसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि इस नोट के अंदर आ, मेंशन है कि गोरी ब्यूटी क्रीम के अंदर मरकरी शामिल है ठीक है काफी सारी डिटेल है इसके अंदर की इसको टेस्ट किया गया था उसको गोल्डन पर्ल का भी नाम इसके अंदर मौजूद है टेस्ट किया गया था और स्पेशली जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं उनके बच्चे पे भी असर पड़ता है अगर वो गोरी ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल रेगुलर बेस पे करती हैं और स्किन को लाइक एक आदत सी बना देती हैं ठीक है आपको वाइटनिंग क्रीम्स के लिए मेंशन होता है सेवन टू एट डेज यूज करो रेगुलरली फेयर हो जाए तो आप उसको यूज मत करो टीन में यूज मत करो स्किन बहुत ज्यादा ऑयली तब यूज मत करो आपके आ, आ, ऐसा हो सकते हैं स्किन सेंसिटिव है तब भी यूज मत करो एक तो वो स्टिकी होती है ऑयली स्किन के लिए वैसे भी वो खतरनाक है दूसरी बात यह है कि उसके अंदर इतने केमिकल्स होते हैं किसी की स्किन के ऊपर सूट ही नहीं करती तो खारिश भी हो सकती है आपको रेड स्किन हो सकती है काफी कुछ हो सकता है ठीक है और नंबर थर्ड पे जब आप बहुत कम उम्र में से लगाते हो तो आपकी बॉडी की वजह से नेचुरल चेंजेस आ रही होती हैं तो फिर क्रीम लगाओगे तो उससे आपको दाने हो जाएंगे, फिर वो कवर करना हो जाएंगे, और सारा इल्जाम कर रही हूँ और मैं वैसे भी, पेट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ सही सजेस्ट करूँ कोई भी चीज आपको बताऊँ तो वो सही हो आपके स्किन के साथ नुकसान ना हो ठीक है कोई भी प्रोडक्ट यूज करो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आपको डाउट हो पैच टेस्ट जरूर करो नेक एरिया पे लगा सकते हो जो कि फेस के करीब होता है और सेंसिटिव भी होता है वहां पे आपको पता चल जाएगा इनके पर वो सूटेबल है या नहीं है सेकेंडली आप इंडिया में होते हो इंडिया के अंदर से क्रीम नहीं जाती है तो ऐसा पॉसिबल नहीं, तो नहीं जाती है, है? आपके पास अगर आपको मिल रही है तो लाइक ऐसा समझ लो कि उस प्रोडक्ट की इन्वेस्टिगेशन आपने पहले करनी कि वो ओरिजिनल है या नहीं है तभी आपने बाय करनी है अदरवाइज आप कोई फेक प्रोडक्ट भी लगाते हो तो भी साइड इफेक्ट होते हैं ठीक है पहली चीज तो मैंने आपको क्लियर कर दी किस, किस कंडीशन में हो सकते हैं अगर चाहे आपकी उम्र आ... अगर चाहे आपकी एज थर्टी फाइव या थर्टी प्लस है तब आप इस क्रीम को लगा सकते हो हफ्ते में दो बार वो भी अपना कलर फेयर करना चाहते हो ये यूज नहीं करना चाहते आप दूसरी क्रीम यूज कर सकते हो मार्केट में बहुत सारी क्रीम है बस गोरी ब्यूटी क्रीम के लाइक ऐसा बोल सकते हैं कि एक हाईलाइटेड क्रीम है कि बहुत ज्यादा इसने लाइक नाम बनाया पाकिस्तानी वाइटनिंग क्रीम्स के अंदर जो कि आपको दुबई में भी मिल जाती है बहुत सारे एरिया में मिल जाती है अलग अलग वेरियंट है गोरी ब्यूटी क्रीम है व्हाइटनिंग क्रीम है डे नाइट क्रीम है बहुत सारे प्रोडक्ट्स है इनके ठीक है तो गोरी ब्यूटी क्रीम से रिलेटेड काफी सारी चीजें हैं जो कि लोगों के बीच में कॉम्प्लिकेशन है एक तो ये की आप जानो कि आपकी अः आ... आपकी जो स्किन है वो किस टाइप की है सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए अगर आपको ये नहीं मालूम है आपकी स्किन टाइप क्या है तो वो क्रीम आपके लिए है ही नहीं सेंसिटिव स्किन के लिए जो है वो उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके अंदर केमिकल्स होते हैं बहुत से स्किन के ऊपर कुछ केमिकल सूट ही नहीं करते ठीक है ठीके? चाहे वो कितने भी अच्छे ब्रांड्स ने क्यों ना बनाए हो वो सूट ही नहीं करते बहुत से स्किन के ऊपर जो सेंसिटिव स्किन होती है उनके लिए डर्माटोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट लगाओ तब आपकी जो स्किन है वो स्टेबल होती है आप कोई भी फेशियल भी करवा लो ना से सेंसिटिव स्किन पे तो सिलोन वाली क्या करती है सबके जो फेस के ऊपर वो लगा रही होती हैं लाइक जिससे वो स्प से रिमूव करते हैं उससे क्या करते हैं कि वो एक दूसरे के स्किन के ऊपर फिर वो जर्म्स और बैक्टीरिया बनते हैं जिसकी वजह से आपको हो जाता है ठीक है है सेंसिटिव स्किन तो इस तरह के प्रोडक्ट आप ग्रेस करो क्योंकि व्हाइटिंग प्रोडक्ट्स व्हाइटनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं आपको कुछ टाइम के लिए व्हाइटिंग देते हैं और याद रखो गाइस कोई परमानेंट रिजल्ट नहीं होता आप जब तक लगाओगे आपको रिजल्ट मिलेगा मतलब कि आप ऐसा समझ लो कि आप हफ्ते में दो बार भी लगा रहे हो तो कंपनी के पास तो कंपनी का पैसा जा रहा है उनके लिए काफी है कि आप उसकी यूजर हो ठीक है अच्छा गाइस प्राइस की बात करें तो थ्री प्लस आपको मिलती है और मैंने आपको बता दिया कि एज में आपने इसको यूज करना है और बहुत ज्यादा यूज नहीं करना हफ्ते में दो बार बहुत होता है लाइक ये भी बहुत ज्यादा है नॉर्मल आप कोई भी क्रीम लगा सकते हो बहुत सारी मार्केट में इतनी सारी क्रीम्स हैं नॉर्मल जो फेयरनेस क्रीम होती है जिसमें मेंशन होता है ब्यूटी क्रीम फेयरनेस क्रीम वो आप यूज कर सकते हो व्हाइटनिंग क्रीम जिसपे लिखा होता है वो व्हाइटनिंग ही होती है उसके अंदर ऐसे इंग्रीडियंट जरूर होते हैं जो कि स्किन के ऊपर क्लीननेस का काम करते हैं जैसे ब्लीच देखा आपने दस बीस रूपए की आती है स्किन को एकदम से मतलब चमका देती है सबसे ज्यादा पिगमेंटेशन आपको ब्लीच करती है याद रखिए गाइस अगर आप ब्लीच क्रीम यूज करते हो तो आपके फेस के ऊपर ब्लैक निशान जरूर होंगे क्योंकि पिगमेंटेशन होता ही ब्लीच से कोई भी सस्ती चीज आपको फायदा नहीं दे सकती तो गाइस ये थी आज की वीडियो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बाकी इंग्रेडिएंट्स की डिटेल जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं लिंक डाल रही हूँ चेकआउट कर लेना बाकी ओवरऑल इसके जो है उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है इसके अंदर मरकरी है लेकिन इसक्रीम को टेस्ट किया गया टेस्ट करने के बाद जो है वो मैं आपको सर्टिफिकेट यहाँ लगाकर दे रही हूँ आप उसको अच्छे से पढ़ लेना कंप्लीटली और ट्रांसलेट करना चाहो तो गूगल से ट्रांसलेट कर सकते हो काफी वीडियो वैसे भी लेंथी हो गई है आपको मैं सारी चीजें बताई चुकी हूँ अब आई होप आपको वीडियो पसंद आयोगी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लो और इस तरह के अच्छे रिव्यूज देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करोगे तो मजीद अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊंगी लाइक इसलिए करने को बोलती हूँ मेरी वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट करो आप सपोर्ट करोगे तो मजीद अच्छे अच्छे, अच्छे रिव्यूज लेकर आऊंगी और इनफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी क्योंकि पाकिस्तान में मैंने देखा है बहुत कम चैनल है जो कि प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको सही से समझाते हैं या सही से बताते हैं अदरवाइज पेड प्रमोशन चल रही होती है जिसकी वजह से जो है वो लाइक लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं ठीक है तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि पेड प्रमोशन ना करूँ और फेयर रिव्यू करूं ताकि आपको समझ में आए और आप खुद अपनी स्किन के हिसाब से अपने लिए प्रोडक्ट चूज कर सको आप मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक के ऊपर रिव्यू करवाना है तो कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो अल्लाह हाफिज